ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर अंबाला से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत बिजली बिल ऑनलाइन भरने पर विभाग की ओर से कुछ रुपए उपभोक्ता को रिफंड किए जाएंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन बिल भुगतान करने वाले सभी उपभोक्ताओं को बिल में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही जिस गांव की ओर से 90% बिल ऑनलाइन भरा जाएगा, उस पंचायत को बिजली विभाग विकास कार्य के लिए 2 लाख रुपए देगा। बेसिकली इस स्कीम में ये है कि जो भी पहली बार कंज्यूमर इसको अडॉप्ट करता है डिजिटल पेमेंट को, किसी भी तरीके से वो डिजिटल पेमेंट करता है महकमे की, अपना बिल की अदायगी करता है, तो उसको 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन की हम कहते हैं फर्स्ट जो बिल होगा उसमें हम 20 रुपये देंगे। इसके आगे जो भी स्कीम में है वो अप टू दी 2000 अमाउंट तक हम 0.5% ऑफ द बिल अमाउंट उसको पेमेंट करेंगे। उसमें मिनिमम 1 रुपये से लेके मैक्सिमम 10 रुपये तक चार्जेज हैं एक्चुअली, और इसमें फर्दर एक और है कि अगर कंटिन्यू 6 बिल वो करता है तो वो एक प्रोत्साहन राशि एक मुफ्त उसको 50 रुपये अमाउंट उसके बिल में डिडक्ट की जाएगी। जो भी अमाउंट होगा उसमें ऑलरेडी बिल में वो डिडक्शन आ जाएगा। वहीं अंबाला में आज बढ़ती हुई धुंध के मौसम को देखते हुए रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने अंबाला पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा सप्ताह मनाया। इस मौके पर रोड सेफ्टी ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक भी किया। वहीं रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट महेश नगर थाना ने बताया कि उच्च ट्रैफिक अधिकारियों के निर्देश पर वाहन पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि धुंध में हादसों से बचा जा सके। आज जैसे हमारा ऊपर से आदेश थे डॉक्टर राजश्री सिंह आईजी ट्रैफिक हरियाणा कि जो बढ़ती धुंध के कारण जो यातायात के एक्सीडेंट में काफ़ी ग्राफ जो बढ़ रहा है उसके प्रति हम ये विषय बड़ा गंभीरजनक है, और आज हमने हमारी टीम ने वाहन चालकों के वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप का चिपकाई है जाकि ताकि आने वाली धुंध में जो लोगों को यातायात को थोड़ा बचाव हो सके। वहीं मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर कुरुक्षेत्र के पौराणिक ब्रह्म सरोवर पर कोरोना की छाया का असर दिखाई दिया। ना तो सूर्यदेव दिखाई दिए और ना ही श्रद्धालु। आपको बता दें कि ब्रह्म सरोवर के तीर्थ पुरोहित ने बताया कि इसी दिन भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग किया था, और मकर संक्रांति का दिन ऐतिहासिक पौराणिक रूप से काफी सौभाग्य सुख समृद्धि देने वाला है। इस दिन श्रद्धालु तीर्थ सरोवर गया, पुष्कर, हरिद्वार, बनारस में स्नान और पूजा अर्चना करते हैं। जी आज मकर संक्रांति का दिन है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का वो दिन आता है, और महाभारत के अंदर जब भीष्म पितामह जी सरसैया पे पड़े हुए थे तो वो इसी दिन की प्रतीक्षा में थे। जब दक्षिण से उत्तरायण सूर्यदेव होते हैं तो मकर संक्रांति के दिन के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे कि एक पुण्य तिथि पुण्य दिन होता है तो इस दिन लोग तीर्थों पर जाते हैं, दान पुण्य स्नान करते हैं। तो आज जैसे कि चावल खिचड़ी का दान का बड़ा भारी महत्व होता है, लोग कंबल वगैरह भी गर्म वस्त्र वगैरह भी दान करते हैं, तो स्नान दान का बड़ा भारी महत्व है। आज मकर संक्रांति है। आज हम मकर संक्रांति के पर्व पर आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ कुरुक्षेत्र में हम स्नान करने के लिए आए हैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बताया है कि कुरुक्षेत्र में ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, यहाँ पर स्नान करने से पुण्य मिलता है। जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से ब्रह्म सरोवर के तट पर जयराम विद्यापीठ परिसर में मकर संक्रांति के अवसर पर पूजन अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन किया गया। ब्रह्मचारियों ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करवाया, इसके उपरांत संतों को भंडारा दिया गया। विद्यापीठ के ब्रह्मचारियों ने सूर्य पूजन और पाठ किया। आचार्य लेखावत ने बताया कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। आज के ही दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के पास आते हैं।
शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। यमुनानगर की जेल में महिलाओं ने लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार मनाया और इस दौरान नाच गाकर एक दूसरे को बधाई भी दी। वहीं जेल में करीब 40 महिलाएं विभिन्न आरोपों में बंद है, लेकिन इन महिलाओं कैदियों ने जेल प्रशासन से अनुरोध किया कि उन्हें भी त्योहार मनाने की इजाजत दी जाए। इसके बाद जिला जेल अधीक्षक संजीव ने महिलाओं के वार्ड में कार्यक्रम की इजाजत दी। तो आपको बता दें कि जेल में भी महिलाओं ने, तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं हरियाणा के जेलों में 2 दर्जन कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा रोहतक जेल सुप्रिंटेंडेंट और 2 डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट भी कोरोना संक्रमित पाए गए। इसे लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोना तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसके मद्देनजर सरकार द्वारा समय समय पर नए दिशा निर्देश पारित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। सर, ये बताएं कि जेल में विभाग भी आपके पास है, किस तरीके से क्या प्रोटोकॉल जो है वो जारी किए गए? जो पहले 2 बार कोविड का केसेज आए उससे हम बहुत सीख गए और कैदी भी हमारे सीख गए, तो पहले ही अपने आप को हर आदमी एहतियातन, क्योंकि पिछली बार देख लिया कैसे शुरू हो रहा है, कैसे हर आदमी समझा हुआ है। मास्क कहने की जरूरत पड़ी, मास्क हमने दिए, सबने लगाने शुरू कर दिए। सोशली डिस्टेंस, जैसे अंदर सैर करते हैं, शाम को जब बाहर निकलने का टाइम होता है तो फासला रखे चलते हैं। पहले से वो भी अपने आप को, हालांकि उतना नहीं है जो सेकंड वेव में आया था, उतना खतरनाक नहीं लग रहा, पर फिर भी लोग अपने जान बचाने के लिए सावधान तो रहते हैं। और आपका टीवी मीडिया लोगों को बहुत इस मामले में एजुकेट कर रहा है। हमारे कैद अब तक जो जेलों में आए हैं कोई 2 दर्जन के केसेस आए हैं जो कल तक लास्ट अपडेट हुए हैं, उसमें ज़्यादा फरीदाबाद से हैं, बाकी एक एक दो दो सब जगह के ही हैं। और वो भी वो लोग हैं, अंदर जो कैदी थे वो नहीं है, जो बाहर से आए थे, जो फ्रेश केसेस थे, चाहे वो नई सजा वाले थे या पैरोल पे जाके वापस आए हैं, वो लोग मिले, उन्हें हमने बाहर चेक करवा लेते हैं। जब अंदर भेजते हैं तो पहले चेक होता है और वो एक नियम है, उसमें चेक करके जिनमें मिला उन्हें क्वारंटाइन करके रख दिए। आगे अंदर हमारे नहीं, अंदर केवल एक सुप्रिंटेंडेंट जेल रोहतक और 2 उनके डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल हैं। 3 आदमियों को हुआ, उन तीनों को हमने तुरंत मेडिकल देके उन्हें क्वारंटाइन कर दिया। सर, ये बताएं कि जेलों के अंदर क्वारंटाइन करने के लिए किस तरीके से जो है वो प्रिकॉशंस ली गई हैं, कोई अलग से व्यवस्था की गई है, डॉक्टर्स जो हैं वो जेलों के अंदर मुहैया करवाए गए हैं जो डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे जो है चेकअप करते हैं? नहीं, इमीडिएट डॉक्टर्स को बुला लिया जाता है। हमारे सुप्रिंटेंडेंट जो सब एडमिनिस्ट्रेशन पूरा डीसी हर तरीके से मदद करते हैं, कहीं सीएमओ जब जरूरत होती है मिल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो रहा है। जो रेगुलर आपरा में है वही लाइफ वहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। सर, ये बताएं कि किस तरीके से जो नए नियम थे, जो बाहर से जो कैदी हैं, जो कैदी वहां पे पहले से रह रहे थे, उनसे मिलने के लिए, मिलने जुलने के समय में क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो ली गई हैं? देखिए, एक खाली पहले का बाकी सिस्टम वही है, खाली एक फिजिकल जो मीटिंग थी आपस में, जो सामने एक दूसरे के सरिये लगे होते थे, बीच से सामने जैसे आप हम बात करें, एक बीच में सरिये लगे होते थे, वो हमने बंद कर दिया ताकि वायरस एक दूसरे को नहीं आ जाए, और एक गिलास लग गया और उधर दूर से बैठ के एक दूसरे का चेहरा देख के फोन से बात कर सकते हैं। जी सर, ये बताएं कि बिजली मंत्रालय भी आप ही के पास है, तो किस तरीके से अभी हाल ही में बिजली संकट जो है वो देखने को मिल रहा है? कुछ एक हॉस्पिटल से भी जो है वो बिजली गुल होने की बातें सामने आई थी, तो वहीं किसानों को लेकर भी काफी समस्याएं आ रही हैं, क्या कुछ जो है प्रावधान किए जा रहे हैं? मैं मेरी उम्र से देख रहा हूँ 50 साल में कभी भी इस मौसम की इतनी बारिश नहीं हुई। जी, होती है 5-7 उंगल होती है, इतनी नहीं होती। अब के पहली बार ये हुआ है कि जनवरी के महीने में इतनी बरसात हुई है कि जो रिकॉर्ड है, खेतों में पानी भर गया था, कुछ जगह गेहूं भी पानी में डूब गए थे, कुछ जगह आलू की जो फसलें हैं करनाल में थे, अम्बाला, यमुनानगर, लाडवा, ये एरिया जो है जहाँ आलू की फसल डूबी थी वहाँ, और जहाँ गेहूँ डूब गई थी, जिन एरिया में पानी खड़ा हो गया वहाँ हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हमने कल से हिदायत दे दी, मैंने सीएम साहब से, हमारे ऑनरेबल सीएम से बात करी, वो कहने लगे नहीं, किसान नहीं बनना चाहिए, ये आपका फैसला है, जितना आप दें पानी उन्हें दें। तो हमने 24 घंटे कर दिया, हमारा कितने पैसा लगे कोई दिक्कत नहीं, किसान नहीं बनना चाहिए। सर, अगर नागरिक अस्पतालों की बात करें तो खासतौर पर नागरिक अस्पतालों में कुछ एक जिलों से जो है वो बिजली गुल होने के 8-8 घंटे तक बिजली गुल रही थी, तो उसको लेकर क्या कुछ हिदायतें जो है वो जारी की गई हैं और कैसे जो है इसके ऊपर टैप किया जा रहा है, नजर कैसे बनाई जा रही है? जो आपने कहा है वो ठीक है, दो जगह हुआ था ऐसा, 2 हॉस्पिटल में वो बिजली नहीं गई थी, जब बाद में चेक हुआ
तो देखा गया मीटर तक हमारी बिजली ठीक थी, आगे उनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी। अब आगे बाहर में उन्होंने बना के करा दिया, हमारा काम अंदर थोड़ा है देखना, आपके घर में अंदर लाइन ने कैसे है वो आपका काम है, हमारा मीटर तक बिजली देने का काम है। जब दोनों जगह चेक हुआ तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन वही था, देख लिया बिजली की कमी नहीं थी, उनका अंदर की मामला था। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि जेलों के अंदर जो है कोरोना प्रोटोकॉल्स को सुचारू रूप से जो है वो उसका पालन करवाया जा रहा है, तो वहीं बिजली की आपूर्ति भी सभी जिलों में यहां तक कि गांव में सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर जहां साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया, वहीं तीसरे टेस्ट मैच में भारत की हार हुई है। साउथ अफ्रीका ने 2-1 से जीतकर सीरीज अपने नाम की है, वहीं साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जहां साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम की, जहां तीसरे टेस्ट मैच में भारत की हार हुई है, वहीं 2-1 से साउथ अफ्रीका ने सीरीज जीतकर अपने नाम की है। तो ये बड़ी खबर, साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया। फिलहाल के लिए कालका से सवाल खामे बस इतना ही, देखते रहिए हर खबर।